हिमाचल सिंह और आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर। योगी आदित्यनाथ ने जब से दूसरी बार सत्ता संभाली है तब से यूपी के बचे कुचे विकास के कामों को पूरा करने में लग गए हैं और इसी कड़ी में एक बड़ा ऐलान कर दिया है और वो ऐलान है अगले 6 महीने में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ कर्मियों की नियुक्ति को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं का प्रस्तुतीकरण देखने के बाद कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। योगी आदित्यनाथ ने आगे इस बारे में बताया कि कोविड-19 महामारी में हम सभी ने पैरामेडिकल स्टाफ के महत्व को बहुत करीब से देखा और समझा है। स्वास्थ्य विभाग अगले 6 महीने में प्रदेश में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कर कार्रवाई करे और नियुक्ति प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के अधीन सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चिकित्सा सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए डॉक्टरों और नर्सों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा है कि डॉक्टर नर्स का अनुपात 1:1 का होना चाहिए। इसके लिए जरूरत के मुताबिक पद सृजित कर योग्य प्रोफेशनल को चयन किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड के हॉस्पिटल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में 5,000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना की गई है और अब आने वाले 5 सालों में 10,000 नए उपकेंद्रों को बनाने का लक्ष्य हासिल करना है। योगी आदित्यनाथ ने आने वाले 100 दिनों के भीतर राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को नगद रहित चिकित्सा सुविधा का फायदा पहुंचाने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 108 एम्बुलेंस सेवा को और व्यवस्थित करने की जरूरत है। एम्बुलेंस के पहुंचने के समय को भी कम किए जाने पर जोर दिया है और अगले 100 दिनों में कम से कम 800 नई एम्बुलेंस अपने बेड़े में बढ़ाए जाने का आदेश दिया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के कई हिस्सों में हिंसक झड़प देखी गई है। योगी आदित्यनाथ ने इस हवाले से भी कल आदेश जारी करते हुए आने वाले समय में त्योहारों के मौके पर किसी भी तरह का उपद्रव न हो इसके लिए प्रशासन को मुस्तैद रहने को कहा था और चेतावनी दी थी कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरह योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली है तब से कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना बर्दाश्त करने की चेतावनी दी गई है। तो योगी आदित्यनाथ के इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए।